हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम देखेंगे एनवायरनमेंट सेक्शन के शॉर्ट्स जो आपके रह गए थे वो आज हम पूरा करते हैं। देखो, पहला टॉपिक है इसमें क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस के बारे में। शॉर्ट्स को भी नज़रअंदाज मत करो क्योंकि यू नेवर नो कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। दूसरा, कुछ चीज़ें फैक्ट्स रूप में दी होती हैं तो वो बिल्कुल आपके दिमाग में चली जाए, वो भी ज़रूरी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान भी ज़रूरत पड़ेगी, तो किसी भी चीज़ को ना आप नज़रअंदाज मत करो अभी, क्योंकि ऐसा सीन रह नहीं गया लाइक, है ना। बिकॉज आप देख रहे हो एग्जाम में ऑप्शंस वगैरह वन ओनली, टू ओनली कर आ रहा है, एलिमिनेशन मेथड एकदम रिमूव हो चुका है, तो ऐसे सीन में ना थोड़ा सा आपकी पढ़ाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा थॉरो होने की ज़रूरत हो जाती है। तो आज पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉप के रेसिड्यू, तो क्रॉप का जो बचा खुचा माल बच जाता है क्रॉप को ग्रो करते वक्त, उसकी मैनेजमेंट की गाइडलाइंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सामने आएगा, फार्मर वेलफेयर बोर्ड सामने आएगा, तो इन्होंने ना कुछ गाइडलाइंस को बेसिकली रिवाइज करा है। तो गाइडलाइंस में इन्होंने एक्स सेतु मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ, जो चावल की खेती होती है, धान की खेती जिसको कहते हैं, उसका एक्स सेतु मैनेजमेंट को एफिशिएंट कराने के लिए, जो आपकी पंजाब हरियाणा वगैरह से मिलती है ना, जो स्ट्रॉ पराली जिसको आप कहते हो, बड़ा परेशान रहते हैं ना, नवंबर का मंथ आते ही हमारा सबसे बड़ा दिल्ली वालों का रोना छूटता है, दिल्ली NCR वालों का, कि भैया पॉल्यूशन बढ़ गया पराली के कारण, है ना। अब वो पराली वाला जो वो है, जो पैडी स्ट्रॉ है, उसका एक्स सेतु मैनेजमेंट, देखो एक इन सेतु होता है कि आपने पर्टिकुलर उस जगह पे जाके करा, एक्स सेतु मतलब कहीं बाहर की जगह पे जाकर आप इसको एफिशिएंट तरीके से डील कर रहे हो। क्योंकि पैडी स्ट्रॉ को जब आप जलाते हो ना, बर्निंग क्रॉप रेसिड्यूज को जलाने का सबसे बड़ा गंदा इम्पैक्ट ये होता है कि गैसेस के इमिशंस निकालता है, इमिट करता है गैसेस को, जैसे मिथेन आपका हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, N2O हो गया आपका, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया आपका, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, तो सारे के सारे आपके बेसिकली आपके ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ये तो पर्टिकुलर मैटर PM10 PM2.5 बाहर आता है, प्लांट के न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं। तो इससे ना आप देखो दोनों ही चीज़ों का इफेक्ट पड़ रहा है, इन्वायरमेंट भी खराब, सॉइल हेल्थ भी खराब, दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए क्रॉप के रेसिड्यू के लिए मैनेजमेंट ऑफ गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस गाइडलाइंस के लिए कुछ की गाइडलाइंस हैं, कुछ की फीचर्स हैं। तो टेक्नो कमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट्स हैं फॉर पैडी स्ट्रॉ सप्लाई चेन, इसको इस्टेब्लिश किया गया है बिटवीन योर बेनिफिशियरी एग्रीगेटर, जो आपके फार्मर्स हैं, रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्री है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है उन सभी को जो कैपिटल कॉस्ट मशीनरी की उठा रहे हैं, इक्विपमेंट की उठा रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलाकर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट में 65% खुद लगा रहे हैं। तो इंडस्ट्री इसमें 25% कंट्रीब्यूट कर रही है, फार्मर रूरल एंटरप्रेन्योर ये सब 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। ये सारा स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करेगी प्रोजेक्ट को, सैंक्शन करेगी सैंक्शन कमेटी के थ्रू, फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह दी जाएगी, ट्रैक्टर के फॉर्म में, हायर जो भी आपके होते हैं, कटर्स के फॉर्म में सब दिया जाएगा। अब एक्स सेतु में क्या हो रहा है, एक्स सेतु में मतलब आपका है कि जो पराली बची हुई होगी उसका बाहर क्या इस्तेमाल होगा, एक्स का मतलब एक्सटर्नल बाहर, तो बायोमास पैलेट्स इससे यूज़ किए जाएंगे एज अ फ्यूल सब्स्टिट्यूशन इन थर्मल पावर प्लांट। तो देखो अच्छा इस्तेमाल हो गया क्रॉप रेसिड्यू का। सेकंड इस्तेमाल, आप देखो ये पेपर में ज़रूर लिख कर आना है आपको, इसके अलावा आपको लिखना है प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्रेस बायोग्रेस, जो आपकी पैडी स्ट्रॉ से वो भी बन सकती है, आपका अल्कोहल प्रोड्यूस हो सकता है, आप समझ रहे हो। तो दीज आर द एक्स सेतु क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे की कहानी में हम पढ़ेंगे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। कार्बन से हम परेशान हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नोटिफाई करा कि भाई CCC CCCS हम लेकर आ रहे हैं और ये आपका सेटअप किया गया और इसमें 2023 में सेटअप करा गया है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट के लिए। इसका सीधा सा काम है, देखो सीधा सा एम है इसका, डीकार्बनाइज करना है इकॉनमी से, हमें इकॉनमी को डीकार्बनाइज करना है। कैसे करना है, 45% इमिशन जो है उसको कट करना है, 2005 लेवल जो था अकॉर्डिंग टू, बाय 2030 हमें ख़त्म करना है। CCTS पहली बार अनाउंस हुई अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, जिसको बाद में अमेंड किया गया बाय एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। CCTS की हाईलाइट समझ लो, नेशनल कमेटी यहाँ बैठती है, एक इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बॉडी भी है, इसको हेड करने के लिए आपका पावर एंड एनवायरनमेंट के सेक्रेटरी बैठते हैं, ठीक है। तो अब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी भी यहाँ पर काम करती है, वो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करती है, वो टारगेट सेट करती है कि कैसे कैसे रिड्यूस करना है कार्बन इमिशन को, कैसे क्रेडिट सर्टिफिकेट देने, ये सारी चीज़ें करनी। सेंट्रल आपका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन भी है जो सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करेगा, वो भी है। अब कार्बन मार्केट्स ना गाइस एक तरह का टूल है जो क्या करता है, प्राइसेस को एक जगह पुट करके और कार्बन इमिशंस पे रखता है, मतलब ट्रेडिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश करना।
तो कार्बन क्रेडिट्स और अलाउंसेस कैन बी बॉट एंड सोल्ड, उसको किया जा सकता है। कार्बन ट्रेड एक तरह से जो क्रेडिट है वो एक तरह का ट्रेडेबल परमिट होता है, दैट इक्वल्स 1 टन ऑफ आप कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिमूव करके रिड्यूस करके सारा सिक्वेस्टर एनवायरनमेंट से हटा के करा जाता है। दैट इज कॉल्ड, मतलब बेसिकली कार्बन हटाना है, तो कार्बन क्रेडिट उसी को दिया जाता है जिन्होंने अपना कार्बन डाइऑक्साइड को 1 टन रिमूव कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है या एटमॉस्फेयर को से स्क्विस्टर कर दिया है। तो इस तरह से चलती है देखो आपकी कार्बन मार्केट, कि जिसका रियल ये आपका है ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इसमें आपका जो जिन्होंने एक्सेस में है उनका एक्सेस में जा रहा है, तो देख लो आप परचेज करता है एक्सेस वाला, और जिसके पास कम हुआ है वो उसको बेचता है। दिस इज़ हाउ इमीटर ए इमीटर बी है, इस तरह से कार्बन मार्केट रन करती है, जिसने कम किया है वो बेचता है किसको, जिसने ज़्यादा किया है, ऐसा चलता है कार्बन मार्केट में ट्रेडिंग होती है। तीसरी चीज़ है ICED 3.0 जिसको नीति आयोग रिलीज करता है, इसका मतलब है इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, नियर रियल डेटा टाइम आपको बताएगा एनर्जी सेक्टर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, इकोनॉमिक डेटा सेट के बारे में, यूजर फ्रेंडली है, फ्रीली एक्सेस करो आप, डेटा सेट निकालो, एनालिटिकल इंजन निकालो, फैसिलिटेट करो अंडरस्टैंडिंग एनर्जी क्लाइमेट फैक्टर्स के बारे में जानने के लिए, बड़ा ज़रूरी है। मतलब अगर आप देखो कभी इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन जर्नी को प्रोग्रेसली जानना चाहते हो ना, मॉनिटर करना चाहते हो, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डैशबोर्ड, ठीक है। तो 3.0 वाले में ये एक कमाल की चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है WMO ओजोन एंड अल्ट्रावायलेट बुलेटिन। ये बुलेटिन में ना हाइलाइट्स किए हुए हैं स्टेडी रिकवरी ऑफ ओजोन लेयर, इसको करता कौन है पब्लिश, WMO डेट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अमेंडमेंट सक्सेसफुली एलिमिनेट, इसमें 99% ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को किया था। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस क्या होते हैं पूछ ले अगर, तो बहुत ऐसे मैनमेड केमिकल जो बहुत समय तक चलते हैं और प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हुंगा टुंगा हुंगा हैप्पी वोल्केनिक इरप्शन था जो आपके आपके वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ आया था जनवरी 2022 में, इसने पानी के वाटर वेपर के कंटेंट को बहुत इंक्रीज करा था स्ट्रेटोस्फेयर में, 5% से वो 10% हो गया था। तो 90% जो अर्थ का ओजोन रेसिड्यू है वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में रहता है, ठीक है। आप देखो जानकारी के फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में बिल्कुल रहनी चाहिए। फिर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके एनिमल कम्युनिकेशन में, देखो क्लाइमेट चेंज इज चेंजिंग केमिकल कम्युनिकेशन, है ना। केमिकल कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ, मरीन बॉडीज़ में, फ्रेश वाटर बॉडीज़ में, लैंड बेस्ड स्पीशीज, सब के लिए चेंज हो रहा है। तो केमिकल कम्युनिकेशन वाया इन्फो केमिकल्स का मतलब क्या है, देखो एक लॉजिकल इंट्रैक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट अपना सेंस इसीलिए करता है, प्रेडेटर्स ऐसे हिसाब से लोकेट होते हैं, फूड हैबिटेट ये सारा इसी के अकॉर्डिंग चलता है कि केमिकल कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, उस इन्फो केमिकल्स की वजह से सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो इन्फो केमिकल वो केमिकल हैं जो आपके हॉर्मोन्स फिरोमोन्स एल्कोलोम केमिकल्स में मिलते हैं। शार्क अपने केमिकल्स को यूज़ करती है टू स्निप आउट देयर प्री ओवर लार्ज डिस्टेंस पे करने के लिए, वो अपने केमिकल्स का ऐसे इस्तेमाल करती है कि उसको लार्ज डिस्टेंस पे उसका प्री दिख जाए स्निप आउट करने के लिए। कुछ प्लांट स्पीशीज हैं वो केमिकल इन्फो रिलीज करते हैं अपने पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब आप सोच लो कितना इम्पॉर्टेंट होते हैं ये इन्फो केमिकल्स, समझ रहे हो आप मेरी बात को। उसके बाद आपका ये भी आता है, देखो यहाँ पे स्निफ आउट करता है, मतलब सूंघ सूंघ के प्री को ढूंढता है शार्क्स। एज टेम्परेचर राइज ड्यू टू योर क्लाइमेट चेंज, प्रोडक्शन एंड एफिकेसी ऑफ इन्फो केमिकल्स आर बीन अफेक्टेड। टेम्परेचर राइज की वजह से प्रोडक्शन और इनका एफिकेसी पर काफ़ी असर पड़ रहा है। तो एंड स्पीशीज जो है आपकी वो स्ट्रगल करती हैं, ट्रेल्स नहीं मिल रहे होते हैं उनको, वाइटल फिरोमोन्स डीके वार्मर टेम्परेचर में हो जाता है, कोरल रीफ्स का डिस्ट्रप्शन हो जाता है, समझ लो आप। ये सारी समस्याएँ हैं क्लाइमेट चेंज की स्पीशीज पर। नेक्स्ट इज़ फ्लोरा फोना का डेटाबेस। इंडिया में 6664 एनिमल स्पीशीज बढ़ गए हैं, फोना डेटाबेस में बढ़ गया, फोना मतलब एनिमल वाला पार्ट इतना बढ़ गया। फ्लोरा आपका प्लांट की तरफ चलोगे तो 3339 बढ़ गया। लिस्ट कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। न्यू रिकॉर्ड निकाले हैं, फोनल डिस्कवरी के लिए जूलॉजिकल वाला आता है, फ्लोरल के लिए बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्कवरी दोनों की हुई है, बोथ फ्लोरा एंड फोना की, केरला में होती है। मिनियो पेट्रायरस फिलिप्स एक लॉन्ग फिंगर्ड बैट है, सिलम में, मतलब अलग अलग ना। देखो ये अब देखो अब आपको ना ज़रूरत क्या है इसमें जानने की, तो नए फौना आए हैं ना, अब वो पेपर में हल्का सा डाल देगा, फिक्यूडुला जेंदोव गिया येलो रम्ड फ्लाई कैचर ही ऐसे डाल देगा, बताओ ये इंडिया में कहाँ मिलता है। तो आपको दिमाग में एकदम आना चाहिए कि नारकोंडम आइलैंड ऑफ अंडमान में। अब ये वैली के लिए आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी गाइस, इसके लिए तो आप आज से अगर प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो आज से लिस्ट बनानी शुरू कर दो। ये नए नए स्पीशीज के नाम आए हैं, सेला मैकॉक अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, सेला पास की वजह से रखा गया है,
वाइट, जैसे देखो सिला मेकॉक याद रहेगा आपको, वाइट चीक मेकॉक, मेकॉक तो ज़्यादातर मिलते ही अरुणाचल प्रदेश की तरफ है, तो वो इस वजह से याद रहेगा। तो ऐसे तो जो की आपके कुछ फ्लोरा डिस्कवर हुए हैं वो आपके कैलेंथी लेमेलोसा, ऑर्किड स्पीशीज़ है ये, आपका नागालैंड वगैरह में मिलता है, ऐसे याद करना पड़ेगा। दोनों बॉडीज़ का पढ़ लेना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916 में आया है, वैलोरोनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890 में। गैम्बूसिया अफिन्स के बारे में देखोगे तो आंध्र प्रदेश ने रिलीज़ करा है गैम्बूसिया फिश इन टू स्टेट्स वाटर बॉडीज, ताकि मॉस्किटो बॉर्न जो आपके डिजीज़ है, मलेरिया है, टेंगी है, इसको कॉम्बेट किया जा सके। नेटिव है सदर्न साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स की फिश, ऑल्सो नोन एज मॉस्किटो फिश, जो आपकी वाइडली बायोलॉजिकल एजेंट है मॉस्किटो लार्वे को कंट्रोल करने के लिए। मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने ये इसको एज इनवेसिव स्पीशीज को रिलेट करा है। तो फिश एज अ हाई ब्रीडिंग कैपेसिटी, दे आर नोन टू ईट द एग्स, एग्स को खाते हैं कॉम्पीटिंग फिशेज एंड फ्रॉग टैडपोल्स को। उसके बाद क्रिप्टोबायोसिस, यानी कि साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोपिक वॉर्म्स को वापस से लाइफ में लाने के लिए उनको फ्रोजन कर दिया था, कहाँ पर, साइबेरियन परमाफ्रोस्ट में, फॉर 46,000 ईयर्स में। और फिर इसी को कहते हैं एंट्रिंग इन द स्टेट ऑफ, इसको जब क्रिप्टोबायोसिस इसी को कहते हैं। तो क्रिप्टोबायोसिस एक ऐसी स्थिति है, याद रखना आप, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को कोई विजिबल साइन ऑफ लाइफ नहीं आ रहे होते हैं, वन इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिकम्स हार्डली मेजरेबल, ऐसा आज स्थिति आ जाए कुछ, ठीक है। तो इस स्टेट में ऑर्गेनिजम्स तभी सर्वाइव कर सकता है जब उसको कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन का कंप्लीट कर सर्वाइव आपको तभी कर पाएगा, वो एक्सट्रीम कंडीशन में विस्टैंड करेगा वो। सिंस मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, तो क्रिप्टोबायोसिस इसको हम कह सकते हैं टेम्परेरी डेथ बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बाहुबली कैटल फेंस, ये बैम्बो फेंस भी कहते हैं उसको आप, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट रेलवे एंड हाईवे ने निकाली है, ये इम्प्लीमेंट करा गया हाईवेज इन इंडिया, ताकि कैटल को हम प्रिवेंट कर सकें जब वो रोड्स को क्रॉस कर रहे होते हैं डेंजरस एक्सीडेंट से। इसीलिए बैम्बो इज ट्रीटेड विद क्रेसोटो ऑयल और इसमें कोट किया जाता है, रिसाइकिल करा जाता है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन को, ताकि स्टील जो है ऑल्टरनेटिव हो काफ़ी अच्छे तरह से बनाया जाए। फेंसिंग की जाती है फायर रेटिंग ऑफ क्लास वन तरीके की, ताकि इन्वायरमेंटल कंसर्न भी हो तो भी बचाया जा सके। एक है आपका सलसोला ओपोजिटी फोलिया डी डेस्फॉन्टेनिया, अगर इफ़ आई एम नॉट स्पेलिंग वेल तो आप थोड़ा सा इसको चेक कर लेना, सॉरी फॉर द सेम। न्यू स्पीशीज़ है, डिस्कवर हुई है आपकी एमरेंथे से फैमिली में, पेरिनियल श्रब है, सलाइन रीड और सेमी रीड इन्वायरमेंट में गुजरात में मिलती है, प्रोस्ट्रेट वुडी प्लांट है, अनलाइक अदर स्पीशीज़ ऑफ सलसोला डजंट हैव एनी हेयर्स, अदर स्पीशीज़ हैं आपके सलसोला जीन्स जो आपकी डिस्कवर हुई थी। तो प्लांट्स ऑफ सलसोला जीन्स में सॉल्टी जूस स्टोर होता है इनकी लीव्स में, ये सोप की मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आती हैं, याद रखना इसका आ सकता है ना। अब आपको हल्का सा देखो ये टच मार देगा कि भाई एक ऐसा भी प्लांट होता है जिसमें सॉल्टी जूस जूस उसकी लीव्स में होता है और वो सोप मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, आप समझ रहे हो, इस तरह से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया जाएगा। तो दैट इज सलसोला ओपोजिटिव फोलिया, ये आपको न्यू स्पीशीज के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट इज होलोबॉन्ड्स, मतलब एनिमल एंड प्लांट्स में नो लॉन्गर हेल्ड एज ऑटोनॉमस एंटिटीज बट रादर मॉलिक्यूलर एक तरह से ये हैं, होस्ट प्लस एसोसिएटेड लाइफ करते हैं, मतलब एक तरह से होस्ट है जितने भी आपके माइक्रो लिविंग एज यूनिट ऑफ आपके सिम्बायोसिस की तरह है, बैक्टीरिया रूट्स ऑफ लेग्यूम्स में प्रेजेंट है ना। बेनिफिट उसको क्या मिल रहा है, शुगर का प्रोड्यूस बाय प्लांट, और फेवर उसको क्या मिल रहा है कि वो नाइट्रोजन सप्लाई कर रहा है, इसको कहते हैं आपका सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, ठीक है। चलो उसके बाद है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में, जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए निकाली गई है, तो निकाली जाती है। इस बार की थीम याद रखना, मैपिंग रेजिलियंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। की हाइलाइट्स क्या हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्डेड डिजास्टर्स बढ़ गए हैं 50 साल में, बहुत बढ़ गए हैं, फाइव फोल्ड बढ़ गए हैं, 80% आपका रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर बढ़ गया है, हंगर बढ़ गया है सब सहारन अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में ड्रॉट के कारण, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की जा रही हैं जिसकी वजह से हीट वेव्स कम हो। रेजिलियंस का मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जहाँ पे कम्युनिटी सोसाइटी एक्सपोज टू हैजार्ड और रेजिस्ट कर पाएँ, अकोमोडेट कर पाएँ, सोसाइटल वेलबींग, इकोलॉजिकल बायोस्फीयर, ये सारा कुछ हो पाए। उसके बाद जो DRR है, इसका मतलब है डैमेज जो रिड्यूस करनी है, कम करना है, नेचुरल डिजास्टर्स का, अर्थक्वेक्स का, फ्लड्स का, ड्रॉट्स का। रिकमेंडेशंस हैं कि भाई आप इन्वेस्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे, ताकि आप इन सबसे बच पाओ। UNDDR जो रिपोर्ट निकालती है उसका याद रखना, 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर्स है, सिंधई फ्रेमवर्क का भी एक कस्टोडियन है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वाला, 2015 से 2030 तक वो भी आता है, तो वो भी याद रखना है आपको, ठीक है। उसके अलावा आप चलो स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से निकालता है, ठीक है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड का भी इसमें काम होता है। इंडिया की अप्रोच क्या है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में अब एक शिफ्ट लिया गया है, क्या, रिलीफ सेंट्रिक होना एंड रिएक्शनरी टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन।
फोकस करना है, अर्ली वार्निंग सिस्टम में, प्रिवेंशन मिटिगेशन पे काम करना है। 15th फाइनेंशियल कमीशन की जो आपकी रिपोर्ट थी फाइनेंस कमीशन की, उसकी रिकमेंडेशन पे स्कीम को तैयार किया गया। इसमें बोला गया था 12.5% हर आपको NDRF स्टेट DRF को देना चाहिए, फंडिंग करो उनको ठीक ढंग से, एक्सपेंड करो उनको, मॉडर्नाइज करो उनको। 5,000 करोड़ का आपका प्रायोरिटी स्पेंडिंग के लिए भी कॉर्पस भी रखा गया है टोटल वे में, है ना। तो ये सारी बातें। उसके बाद अर्थक्वेक आपका स्वाम है, तो 2,200 अर्थक्वेक्स ऑब्जर्व किए गए आइसलैंड में 24 घंटे के अंदर। तो आइसलैंड एक यूरोप का लार्जेस्ट एंड आप कह सकते हो मोस्ट वोल्केनिक रीजन है, ड्यू टू मिड अटलांटिक रीजन की प्रेजेंस की वजह से, जो मिड अटलांटिक रिज है ना उसकी प्रेजेंस की वजह से डाइवर्जिंग प्लेट मूवमेंट जब होती है ना तो वो आपको अर्थक्वेक देती है, हॉटस्पॉट कुछ क्रिएट हो जाते हैं। तो माउंट फेग्राडल्स विल्जेल एंड आपके एक और जो वोल्केनो दे रखा है, ये दोनों वोल्केनो इसमें आए। तो अर्थक्वेक और अर्थक्वेक स्वाम दोनों याद रखना है। कोई भी सडन देखो शेक हो रहा है अगर ग्राउंड पे, सिस्मिक वेव की वजह से, PNS वेव्स की वजह से, बॉडी वेव्स की वजह, सरफेस वेव्स की वजह से, अर्थ रॉक में, तो उसको आप कह दिया। एस वेव्स कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड, ये भी ध्यान रखना। अर्थक्वेक स्वाम का जो सिक्वेंस है ना, या स्वाम जो है ना, ये अर्थक्वेक के सिक्वेंस को कहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद शॉर्ट पीरियड में ही बहुत सारे अगर आपको शॉक लग रहे हैं उसकी वजह से। तो अर्थक्वेक आपका समझ लो, अर्थक्वेक स्वाम जो है कैन लास्ट फॉर आवर्स, के घंटे के लिए भी हो सकता है, दिन के लिए भी हो सकता है, इवन वीक्स के लिए भी हो सकता है। दे मोस्टली कंसिस्ट ऑफ लो टू मॉडरेट मैग्नीट्यूड के होते हैं ये, या आपके ना शेलो डेप्थ वाले अर्थ के क्रस्ट में होते हैं। दे यूजली अक्कर अलॉन्ग विद आपके फॉल्टी सिस्टम की वजह से ना, फॉल्ट सिस्टम की वजह से होता है। स्ट्रेस जब भी पड़ता है ना, एक्यूमुलेशन कहीं पर होती है, तब ऐसा होता है। तो मैकेनिज्म देख लो आप। उसके बाद आता है आपका शेल्फ क्लाउड। शेल्फ क्लाउड का मतलब क्या है, रिसेंटली ये देखा गया उत्तराखंड में। अब देखो ये टर्म्स जरूर पूछे जाते हैं, इसको आर्कस क्लाउड्स भी कहते हैं। इसमें ना पावरफुल इतनी ज़बरदस्त आंधी टाइप स्टॉर्म सिस्टम क्रिएट हो जाता है, वॉल क्लाउड्स, फनल क्लाउड्स, रोटेशन वाले क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। फिर सारे के सारे क्लाउड जो है ना वो आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के एकदम बिनीद आ जाते हैं, इतने डेंस हो जाते हैं कि बहुत तेज़ बारिश होती है, वर्टिकल क्लाउड्स की तरह तैयार हो जाते हैं। फिर कोल्ड डाउन ड्राफ्ट जो है ना क्यूमुलोनिम्बस पूरा ग्राउंड में जाते हैं और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं ग्राउंड में आपका, और ज़्यादा मतलब मुश आपकी जो वार्म एयर है ना उसको भी पुश कर करके एयर को इतना राइज कराते हैं कि वाटर वेपर कंडेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इस तरह से कुछ देखो शेल्फ क्लाउड नज़र आते हैं आपके। देखो वर्टिकल फॉर्मेशन नहीं हो गई एक, ऐसे होता है। कास्ट प्लेट्यू के बारे में याद रखना, इसको पत्थर भी कहते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। सतारा डिस्ट्रिक्ट में है ये आपका, महाराष्ट्र के, बायोस्फीयर है वेस्टर्न घाट्स का। इसमें क्या हुआ है ये भी ध्यान से समझ लो आप। देखो इसका जो नाम है ना कासा ट्री पे पड़ा है, बोटानिकली उसका नाम जो है वो इलाइकोकार्पस करके कुछ है, इसको रुद्राक्ष फैमिली का कहते हैं। ये ना इग्नियस रॉक्स है, बेसिकली इग्नियस रॉक्स से बना है ये, और ये प्लेट्यू जो है इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी रखा गया अंडर द वेस्टर्न घाट्स। उसके बाद यूरेलाई टेस्ट, ढाला के क्रेटर मध्य प्रदेश में यहाँ पर कुछ कोलिजन हुआ था मेट्रॉइड्स का, वहीं से निकल के आया था। तो एशिया का लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर कह सकते हो, जो बहुत बड़ा क्रेटर मतलब बहुत बड़ा होल हो जाना कहीं पर। 3 मेट्योर जो मेट्योर थे उन्होंने क्रेटर्स को इम्पैक्ट किया, रामगढ़ आपके राजस्थान में, लोनार इन महाराष्ट्र। तो रेयर प्रिमिटिव मेट्रॉइड्स होते हैं ये, और सिलिकेट रॉक इस सबसे बने होते हैं आपके, फ्यू ग्रेनाइट सिलिकेट वगैरह से। एंथ्रोपोसिन एपॉक क्या होता है, देखो साइंटिस्ट का एक ये है, 950 से चलता आ रहा है, सेडिमेंट स्टडीज करते हैं यहाँ पर। क्रेफ क्रॉफोर्ड आपका लेक है कनाडा में, वहाँ पे कुछ एविडेंसेस निकल कर आए हैं लेक के अंदर कि भाई एक मेरोमैक्टिक वाटर्स लेयर हैं और वो मिक्स भी नहीं होती हैं, सेडिमेंट्स की कुछ लेयर्स बनी हुई हैं। तो एंथ्रोपोसिन एपॉक की ना प्रपोज एपॉक है, जो आपका जियोलॉजिकल टाइम के बारे में, प्रेजेंट इंटरवल्स के बारे में, अर्थ के इकोसिस्टम के बारे में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, उससे ह्यूमन इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, इसके बारे में सारा बताता है कि जो न्यूमरस फिनोमेना है ना कि आपके, देखो आपके जो सारे ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज है, ओशन एसिडिफिकेशन है, मास स्केल, सॉइल इरोजन है, सारे के सारे चीज़ें उसमें बताता। तो पहला टर्म कॉइन हुआ वो नोबेल प्राइज विनिंग थे कैमिंग काल पॉल आपका क्रूजन करके, उनको मिला था, देर आर लाइक दस, ठीक है। उसके अलावा आपका इरिता है जो टिपिकोलॉजिकली आपका एरर है, आर्टिकल 5.6 में इंडियन टाइपोलॉजिकल और हेलिनो जो आपका 2023 में जून में था, तो करेक्ट स्पेलिंग इसकी लानिना है, इनकम्प्लीट फुल फॉर्म इसका हेलिनो है बेसिकली। तो ये कुछ करेक्शन था, वो एक करेक्शन आपसे डिस्कस किया हुआ है, आर्टिकल जो आपका था ना टिपोलॉजिकल एरर वो उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट योर इन्वायरमेंट का शॉर्ट, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी ऑफ द आर्टिकल जो शॉर्ट में कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।